अभियान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो। सुबह मेथी दाने के बारीक चूर्ण के एक दो चम्मच की मात्रा से पानी के साथ फंकी ले लो, घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है। विशेषकर बुढ़ापे में घुटने नहीं दुखते, एड्डी का दर्द भी ठीक हो जाता है। लगातार एक दो महीना ले लो सर्दी सर्दी। मेथी का प्रयोग जो कोड लीवर ऑयल है उसके स्थान पर निसंकोच करो। कोड लीवर की तरह यह घुटनों का दर्द, स्नायु का रोग, बहुमूत्रता, सूखा रोग, खून की कमी और भाई निर्बलता, इन सब में लाभदायक है। मेथी के बीज का पाउडर एक चम्मच की मात्रा दूध के साथ ले लो, तो मछली के तेल जैसा डॉक्टर लाभ बताते हैं, मेरे अनुसार तो नहीं है, उसके कोई लाभ होता है। सुबह भूखे पेट 3-4 अखरोट की गिरी निकल जाओ कुछ दिन खाने से, खाने मात्र से ही कई बार घुटनों का दर्द समाप्त हो जाता है। हड्डियों की जो मज्जा है वो बढ़ती है चिकनाई, और मस्तिष्क भी पुष्ट होता है। नारियल गिरी खाते रहो, उससे भी घुटनों का दर्द की संभावना कम हो जाती है। विजयसार की लकड़ी का पाउडर दूध में उबाल के पियो, वो भी आराम करता है। मैं राजेश तालान ब्रह्मचारी गुरु शिष्य परंपरा से बना प्राणाचार्य। भाई राजीव दीक्षित जी के स्वप्न स्वस्थ समृद्ध स्वदेशी स्वावलंबी स्वाभिमानी परिवार समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में एक पहल। आप सब भी अपने अपने जीवन में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को अवश्य सुने एवं प्रचार प्रसार करें। स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, जिससे सफल एवं सरल घरेलू उपचार परिणाम और अनुभव प्राप्त कर आप अपना विश्वास तथा ज्ञान बढ़ा सकें। अन्य आवश्यक जानकारियों हेतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य पढ़ें। साथ ही किसी भी घरेलू चिकित्सकीय परामर्श हेतु भाई राजीव दीक्षित जी के एकलव्य रूपी शिष्य भाई गोविंद शरण प्रसाद जी, बहन मोनिका साहू, बहन ज्योति गुप्ता, होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर वेद प्रकाश जी से व्यक्तिगत व्हाट्सएप संदेश पर संपर्क कर सकते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।